नमस्कार दोस्तों, मैं यादराम प्रजापत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाई मोल्ड से लेकर मिट्टी के गिलास कैसे तैयार किए जाते हैं। इसकी पूरी 6 प्रोसेस है, जिनमें सबसे पहली प्रोसेस है डाई मोल्ड तैयार करना सीखेंगे, दूसरी मिट्टी तैयार करना सीखेंगे, तीसरी गिलास बनाना सीखेंगे, चौथी डाई से गिलास किस प्रकार बाहर निकालते हैं, पाँचवीं गिलास की घिसाई किस प्रकार करेंगे, छठी फिर भट्टी में पकाकर कार्टूनों में कैसे पैक करेंगे। तो दोस्तों सीखते हैं हम अपनी डाई बनाना। सबसे पहले इस पेस्ट को सभी मोल्ड पर लगाएंगे ब्रश की सहायता से कुछ इस प्रकार। दोस्तों देखिए किस प्रकार लगाते हैं। पेस्ट को लगाने के बाद हम इन्हें इस प्रकार से सेट कर देंगे। अब इन्हें सेट करने के बाद हमें पीओपी का घोल तैयार करना है। सबसे पहले हम आवश्यकता अनुसार पानी लेंगे और उसमें इतनी पीओपी डालेंगे कि पानी दिखना बंद हो जाए। फिर हम इसे आधी मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर आधी मिनट बाद हम इसे घोलना तैयार कर देंगे और इसे तब तक घोलेंगे तब तक ये सही तरह से घुल ना जाए। करीब 2 से 3 मिनट तक लगातार घोलना है। अब हमारा घोल तैयार हो गया है। तो दोस्तों हमें इसे सभी मोल्ड में डालना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों सभी मोल्ड में पीओपी डाल देने के बाद दोस्तों हमें 4 से 5 मिनट इंतजार करने के बाद हमें इनकी ऊपर से सफाई कर लेनी है कुछ ब्लेड की सहायता से। दोस्तों हम इसकी ऊपर से सफाई कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। सफाई करने के 5 से 6 मिनट बाद हम इसका सूखने का इंतजार करते हैं और फिर हम इनको इस प्रकार से निकाल लेंगे। सभी को एक एक कर इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें मोल्ड से डाई को दोनों अंगूठों की सहायता से अलग कर लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इस डाई की दोस्तों हमें ब्लेड की सहायता से अच्छी तरह फिनिशिंग कर लेनी है। देखो दोस्तों कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग कर लेनी है। दोस्तों अब हमारी डाई तैयार हो गई है। तो दोस्तों अब हमें गिलास बनाने की मिट्टी तैयार करनी है। दोस्तों सबसे पहले हमें मिट्टी देख लेनी है। दोस्तों हमारी ये मिट्टी है, हमें इसको बारीक पीसना है। तो दोस्तों हमें इसे बारीक पीसने के लिए चक्की पर ले जाना है। हमने चक्की लगाई हुई है दोस्तों, इस चक्की पर हम इसे बारीक पीस लेते हैं। दोस्तों आटे की तरह इस चक्की में मिट्टी पीसी जाती है और दोस्तों यहाँ पर छन्नी लगाई हुई है। दोस्तों ये इस मिट्टी को पानी में डाल देते हैं और ये घुलाई के लिए है। इससे मिट्टी की घुलाई की जाती है और घुलाई हो जाने के बाद दोस्तों नल के द्वारा हम इसे मिट्टी को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं।
और दोस्तों फिर ये मिट्टी सोख जाने के बाद हम इसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फिर दोस्तों हम इसकी गिलास बनाने के लिए अंदर लेकर जाते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो डाई है। सबसे पहले इन पे हम बुरादा पटक लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इन पर बुरादा डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब फिर हमें मिट्टी के गिलास बनाने की मशीन को स्टार्ट करना है। तो दोस्तों हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। अब दोस्तों हमें इस प्रकार से गिलास बना लेने हैं। देखिए तो दोस्तों किस प्रकार से गिलास तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक घंटे में 250 से 300 गिलास निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। दोस्तों गिलास का साइज चेंज करने के लिए दोस्तों आपको मोल्ड चेंज करना है, और दोस्तों ये आपको हांडी दिखाई दे रही है इसको चेंज करना है। दोस्तों मशीन वही रहेगी, बस दोस्तों आपको डाई और दोस्तों हांडी चेंज करनी है। दोस्तों ये 200 ml के गिलास बनाए जा रहे हैं लस्सी वाले। दोस्तों गिलास तैयार हो जाने के बाद करीब हम इनका आधे से एक घंटे तक सूखने का इंतजार करते हैं। तब तक दोस्तों ये जगह ना छोड़े। दोस्तों ये डाई से अपने आप जगह छोड़ने लग जाते हैं सूखने के बाद। तो दोस्तों हमें तब तक इंतजार करना है इनका। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर हर साइज के मिट्टी के गिलास बनाने के डाई और मोल्ड मिल जाएंगे। दोस्तों आपको 50 ml से और 400 ml तक करीब 10 से 12 प्रकार के साइज के डाई और मोल्ड गिलास बनाने के मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब करीब 40 मिनट हो गई है। तो दोस्तों अब हम इनको हल्के हल्के हाथों की सहायता से डाई से बाहर निकालते हैं। दोस्तों हमें इसमें हाथ देना है और हल्के हाथ की सहायता से डाई से बाहर निकालना है कुछ दोस्तों इस प्रकार से। दोस्तों देख सकते हो आप कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है गिलास पर। हमें इसी प्रकार से सारे गिलास निकाल लेने हैं सोख जाने के बाद। दोस्तों ये गिलास बाहर निकालने के बाद जब सोख जाते हैं अच्छी तरह, तो दोस्तों हम इनके किनारों की घिसाई कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों हम इनके किनारों की घिसाई करते हैं। देखो दोस्तों किस प्रकार से इनके किनारों की घिसाई की जाती है। दोस्तों इनकी घिसाई करने के बाद हम इन्हें भट्टी में पका लेते हैं। दोस्तों हमारे पास इधर भट्टी है। दोस्तों मैंने भट्टी की पहले ही वीडियो डाल दी है, तो दोस्तों आप वहां से भट्टी की पकाई वाली वीडियो देख सकते हो। दोस्तों गिलास पकने के बाद हम इन्हें भट्टी से निकालने के तुरंत ही दोस्तों हम इन्हें कार्टून में पैक कर देते हैं, जिस प्रकार से दोस्तों हमारे पास ऑर्डर आता है। दोस्तों अगर आपको भी ऑर्डर देना है तो आप हमें ऑर्डर दे सकते हो। तो आपको कुछ भी मंगवाना है, मिट्टी के गिलास, डाई, मोल्ड, दोस्तों मिट्टी के गिलास बनाने की मशीन, दोस्तों कुछ भी मंगवा सकते हो आप। दोस्तों हम इस प्रकार से कार्टूनों में गिलासों को पैक करते हैं और दोस्तों हम आपके घर पर ये कार्टून पहुंचाते हैं। अगर दोस्तों आपकी दुकान ज़्यादा दूर है तो दोस्तों हम इन्हें
ट्रांसपोर्ट की सहायता से आपकी दुकान पर पहुंचवा देते हैं। दोस्तों अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो ऑर्डर दे सकते हो। दोस्तों नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। आपको कुछ भी सामान मंगवाना हो तो दोस्तों आप पहले ऑर्डर दे सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? दोस्तों आपके कुछ काम आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे। अगर दोस्तों आपको कोई सवाल पूछना है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द उत्तर दूं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।